चातुर्मास के लिए बाड़मेर में विराजित साध्वी सुरंजना आदि ठाणा 6 का सोमवार को जैन भोजनशाला स्टेशन रोड से नाकोड़ा तीर्थ के लिए विहार हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे और साध्वियों को भावभीनी विदाई दी। चातुर्मास के दौरान 4 महीनों तक थारनगरी में धर्म की गंगा बहाने वाली साध्वी सुरंजना समेत 6 साध्वियों ने सोमवार को बाड़मेर से नाकोड़ा तीर्थ की ओर से विहार किया। साध्वी का काफिला स्टेशन रोड स्थित जैन भोजनशाला से रवाना हुआ, जो नाकोड़ा तीर्थ पहुंचेगा। दरअसल जैन न्याति नोहरे में खतरगच्छ संघ के तत्वावधान में साध्वी सुरंजना आदि ठाणा 6 का ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न होने के बाद 2 दिसंबर को विदाई एवं कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया गया था। उसके पश्चात बाड़मेर नगर से विहार हुआ था, लेकिन साध्वी सुरंजना का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने पर 9 दिसंबर तक स्टेशन रोड स्थित जैन भोजनशाला में प्रवास रहा। साध्वी ने सोमवार प्रातः नाकोड़ा तीर्थ के लिए विहार किया। गुरुवरिया के सोमवार को विहार के दौरान खतरगच्छ महासंघ युवा शाखा बाड़मेर व विहार सेवा ग्रुप के सदस्यों सहित सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे और साध्वी वृंद को भावभीनी विदाई दी गई। साध्वी बाड़मेर से रवाना होकर थोरियों की ढाणी पहुंची, जहां प्रवास किया। इसके बाद रात्रि विश्राम गालाबेरी स्कूल में हुआ। मंगलवार को साध्वी रावत सर जाएंगी। साध्वी सुरंजना चवा, सरणु, सिंधरी आदि गांवों से होते हुए नाकोड़ा तीर्थ पहुंचेंगी, जहां से नागौर के लिए प्रस्थान करेंगी। नागौर में 10 दिसंबर को गुरुवरिया के निश्रा में नागौर नगर की 2 मुमुक्षु बहनें स्वीटी खंगाची व सुरभि खंगाची की भगवती दीक्षा होगी।